आवाज़ इंडिया टीवी चैनल देख रहे मेरे सभी दर्शकों को जय भीम। मैं राजकुमार गौतम आज दिल्ली से चलते हुए यहाँ 200 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपनी कैमरामैन टीम के साथ में हरियाणा के अंदर उपस्थित हुआ हूँ। और हरियाणा के अंदर उपस्थित होने का जो मैं आपको बताएं विषय जो है वो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का, जहाँ हम आज डॉक्टर अजीत सिंह चहल जी के साथ में एक महत्वपूर्ण विषय पर, भारत या हिंदुस्तान विषय में एक चर्चा करने जा रहे हैं हम और आप संवाद कार्यक्रम के माध्यम से। तो मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर अजीत सिंह चहल सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर विधि विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में इस समय कार्यरत हैं और इसके साथ साथ सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में भी अपना योगदान देते आ रहे हैं। इसी विषय में आज उनसे बात की जाएगी कि भारत या हिंदुस्तान, जिसको एक तरीके से देखा जाए कि पत्र हो या पत्रिका हो या इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी जगह पर भारत की जगह हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक तरीके से इस देश के अंदर अवैध है। उसी विषय पे आज जो है चर्चा जारी की जाएगी। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस मुद्दे को कितनी बारीकी से गहन अध्ययन के साथ में डॉक्टर अजीत सिंह चहल जी ने इसका अध्ययन किया है, उसी विषय में आज हम बात करेंगे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कुरुक्षेत्र एक ऐसी धार्मिक नगरी है जिसको भगवान बुद्ध के समय से जाना जाता है, पहचाना जाता है। उसी नगरी में आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ आवाज़ इंडिया टीवी चैनल की टीम के साथ में, और आगे इस चर्चा को जारी रखने के साथ साथ मैं बात करूँगा डॉक्टर अजीत सिंह चहल जी से। सर, सबसे पहले जय भीम। जय भीम गौतम। मैं डॉक्टर अजीत सिंह चहल जी से सबसे पहले उनके जीवन के विषय में जानना चाहूँगा, क्योंकि जैसा मुझे पता लगा है कि आप एक ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से और ऐसे गरीब परिवार से यहाँ बड़े संघर्ष के साथ में यहाँ पहुँचे हैं, इस कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में विधि विभाग में आप जो है कार्यरत हैं। हाँ जी गौतम जी, मेरी तरफ से आपके टीवी के दर्शकों को सबके लिए जय भीम जय भारत, सभी को नमो बुद्धाय। और जैसा कि अभी आपने पूछा कि एक मेरी जो पृष्ठभूमि है तो वो आप जानना चाह रहे हैं, हमारे दर्शकों को जो बताना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं। मेरी जो पृष्ठभूमि में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 2006 में, जुलाई 2006 में ज्वाइन करने से पहले जो रोहतक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है वहाँ से मैंने अपनी लॉ की स्टडी LLB LLM और PhD वहीं से किया है। और मेरा जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का जो नाता है वो यहाँ से लगभग 225 किलोमीटर दूर झज्जर से आगे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल लास्ट में एक गाँव आता है जखाड़ा, और उससे मैं बिलोंग करता हूँ। वो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और वहाँ जो हमने अपने स्तर पर जो काम किया है और जो जिन कठिनाइयों के साथ हमने भी मतलब कोशिश की है कि यहाँ तक जो पहुँचे हैं, तो वो अकेले हमारी वजह से नहीं है, ये कहीं ना कहीं बाबा साहब की अनुकंपाएं हमारे ऊपर रही हैं, तथागत गौतम बुद्ध का जो दिखाया हुआ मार्ग वो रहा है, और तभी जा कर के हम इस उनके दिखाए हुए रास्ते पर शिक्षा ग्रहण करते हुए आज इस विश्वविद्यालय, जो कि इंडिया का एक माना हुआ विश्वविद्यालय है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, इसमें हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इस ग्रामीण पृष्ठभूमि से आकर के जो हमें यहाँ सेवाएं देने के लिए लगभग सारे भारत से यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट आते हैं LLB में LLM में, तो हम जो सेवाएं दे रहे हैं हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो एजुकेशन सिस्टम जो दबे कुचले लोगों के लिए जहाँ अलाउ ही नहीं था, वहाँ उनको आने ही नहीं दिया जाता था, वहाँ से अगर हम आज बाबा साहब की कृपा से या तथागत गौतम के दिखाए हुए मार्ग से अगर हम यहाँ पहुँचे हैं, तो ये इसी के साथ मैं ये आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आदमी कोई कैसा हो, क्योंकि संघर्ष कहीं ना कहीं करना पड़ता है और संघर्ष हम अकेले नहीं कर सकते। जब तक हमारे सामने कोई ऐसा प्रेरणा स्रोत नहीं होता, और उसमें जो हम अपने प्रेरणा स्रोत जो हमारे लिए हमारा जहाँ से हम एजुकेशन के लिए सीखते हैं, इस भारत में हर एक रास्ते पे कहाँ रास्ता, कौन सा रास्ता कहाँ निकलता है, उसके लिए मैं मानता हूँ कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो मिशन रहा है, उनका जो दिखाया हुआ रास्ता जो है, क्योंकि उन्होंने जो तथागत गौतम बुद्ध को फॉलो किया है, या बाबा साहब ने जैसा कि बॉम्बे में कहा था कि आई एम द डेवोटी ऑफ गौतम बुद्ध,
महात्मा कबीर एंड ज्योतिबा फुले, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ऐसी है कि उन बाबा साहब ने जो अपना जिनको मार्गदर्शक माना, वो एक समाज के सुधारक ही नहीं, अब समाज को एक नया रास्ता दिखाने वाले थे। और तथागत गौतम बुद्ध ने तो एक ऐसा रास्ता दिखाया है जो भारत ही नहीं समस्त विश्व में जो धम्म, जो बुद्ध धम्म जिसको मानते हैं, वो फैला है। तो वो उनसे प्रेरणा लेकर कहीं ना कहीं हम अपनी सेवाओं को देश के नाम, इस राष्ट्र के नाम, इस विश्वविद्यालय के नाम, इस समाज के नाम, जो हमने अपनी समर्पण भावना से जो सेवाएं दी हैं, वो यही मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं वो हमारी ग्रामीण पृष्ठभूमि का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो कि हम इस राष्ट्र के लिए, इस विश्वविद्यालय के लिए जो काम कर रहे हैं, वो हमारी पृष्ठभूमि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है उसका एक अहम योगदान है। जैसे कि डॉक्टर अजीत सिंह चहल जी ने अभी बताया कि उन्होंने अपने कितने संघर्षपूर्ण जीवन से संघर्ष करते हुए यहाँ तक इस महत्वपूर्ण पद तक आसीन हुए हैं, और आज न जाने कितने बच्चों को वो सब सेवाएं प्रदान कर रहे हैं इस माध्यम से। तो चर्चा को जारी रखते हुए हम आप और संवाद कार्यक्रम में मैं आज जो महत्वपूर्ण सवाल है वो बहुत ही गंभीर विषय के साथ में मैं आपसे जानना चाहूँगा, भारत शब्द आप क्या अर्थ निकालते हैं इसका, और इसकी उत्पत्ति एवं विकास के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं डॉक्टर साहब? गौतम जी जो आपके आवाज़ इंडिया टीवी चैनल के जो दर्शक हैं और आप हैं, आप दर्शकों के माध्यम से जो प्रश्न मुझसे कर रहे हैं कि भारत शब्द का हम क्या अर्थ निकालते हैं, इसकी उत्पत्ति और इसके विकास के बारे में मैं आप लोगों से कुछ बातें करूं, आपके दर्शकों को इसके बारे में कुछ अहम जानकारियां दूं, इसके लिए मैं मानता हूं कि जो भारत शब्द है इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा जो राष्ट्र है वो भारत है, और इस भारत शब्द को कैसे, कहाँ और किस तरीके से इसका उद्भव हुआ, इसे का विकास हुआ, इसके बारे में जानने के लिए इसको हम दो तीन तरीके से इसका अर्थ जान सकते हैं कि जो ये भारत शब्द है इसका ये मीनिंग क्या निकलता है आधुनिक माध्यम से, आधुनिक स्टेज पर आप इसका क्या मीनिंग निकालते हैं। इसके लिए आपको जो भारत शब्द है, हम ये कहें कि भारत शब्द आज जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो चुका है, उसके बाद अगर हम भारत शब्द का कोई अर्थ निकालते हैं तो भारत शब्द जो राष्ट्र के लिए एकता, अखंडता, भाईचारा, बंधुता और न्याय को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसा मार्ग दिखाता है जिससे कि इस अखंड भारत की, जो कि हमारे पूर्वजों ने या जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो अखंड भारत की कल्पना की थी, कहीं ना कहीं ये भारत उस शब्द की सार्थकता को सिद्ध करता है। क्योंकि जो भारत शब्द है और इसको अगर हम इसकी शुरुआती दौर पर इसकी उत्पत्ति या विकास के उससे लगें, तो भारत शब्द को अब ये माने कि तत्कालीन जम्बूद्वीप जब बहुत बड़ा साम्राज्य इस देश में था, तो तत्कालीन जम्बूद्वीप को भारत शब्द की उपमा दी गई थी, तो तब से ये भारत जो शब्द मिला है। और वो भारत का अगर हम इसको कुछ हिंदी के गहन अध्ययनताओं के साथ अगर अध्ययन करें तो इसको हम संधि छेद करके अगर देखते हैं तो भारत को हम मानते हैं भाज अमारत, जैसे कि आजकल हमारे जो साथी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं या जो मैगजीन से जुड़े हुए हैं वो जर्नली इस बात को करते हैं कि भारत जो है भा जमारत, भा का मतलब होता है ज्ञान और रत का मतलब होता है सदा संलग्न, कि ज्ञान प्राप्ति के लिए हमेशा लगे रहना, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए सदा संलग्न रहना, वो कहीं ना कहीं इस भारत शब्द की जो सार्थकता है उसको सिद्ध करता है। और इतना ही नहीं, भारत शब्द की सार्थकता कैसे सिद्ध होती है, कैसे भारत हमेशा ही ज्ञान अर्जन के लिए लगातार प्रयासों में रत रहा है, इसको जब तत्कालीन जम्बूद्वीप की जहां हम बात करते हैं और उस टाइम जो हम ये देखें कि विश्व में हमारे यहां से नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला नाम की विश्वविख्यात विश्वविद्यालय जो होते थे, उसमें भारत जम्बूद्वीप से ही नहीं कि लगभग पूरे विश्व से छात्र आते थे, वो शोध करते थे और वो ज्ञान अर्जन करने के लिए
आते थे और वो ज्ञान अर्जन जो करते थे उससे पूरे विश्व और दुनिया को कहीं ना कहीं एक अच्छा मौका मिलता था और सभी की नज़रों में ये था कि जो भारत है वो अपनी सार्थकता को जिस टाइम इतने विश्वविख्यात विश्वविद्यालय होते थे उस टाइम सिद्ध करता था और वो आज भी कहीं ना कहीं हम उसी पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हम कहीं ना कहीं ये अपने ज्ञान अर्जन के लिए जो तथागत गौतम बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया है, बाबा साहब ने जो प्रेरणा दी है, शिक्षा की तरफ बढ़ो, शिक्षा की ओर चलो, वो उन चीज़ों पर आज हम चलते हुए जब आते हैं तो वो कहीं ना कहीं हम इस शब्द के, इस राष्ट्र के नाम को बिल्कुल सार्थकता से आगे रखते हैं, आगे बढ़ाते हैं कि ज्ञान अर्जन में हम लगे रहते हैं। और जहाँ तक गौतम जी जो आप कह रहे हैं कि इस भारत शब्द की उत्पत्ति और विकास जो है उसके लिए मैं मानता हूँ कि जो भारत शब्द की उत्पत्ति है कि भारत क्या है, कैसे इस देश का नाम भारत रखा गया, तो वो ये बात अलग है कि भारत की जो संविधान निर्मातृ सभा में जो कार्यक्रम हुआ संविधान निर्माण का, उस टाइम भी ये प्रश्न उठाए गए थे और उसके लिए संविधान निर्मातृ सभा में चर्चाएं भी हुई। तो बाबा साहब ने जो उस टाइम जो काम किया भारत राष्ट्र का नाम जो है भारत रखा जाए, इसकी उत्पत्ति और विकास के लिए अगर बाबा साहब के हम लिटरेचर को पढ़ें तो हमें कहीं ना कहीं पूर्णतः ये मालूम हो जाएगा कि जो भारत है उसका एक कितना गूढ़ अर्थ निकलता है, एक बड़ा अच्छा जो राष्ट्र के नाम जो समर्पण इस देश के नाम में है वो निकलता है। और इसकी आप इसको अगर इसका अर्थ खोज निकालना चाहें, इसकी उत्पत्ति और विकास की अगर हम बात करें कि कहाँ से ये शब्द निकला है, तो बाबा साहब की जो राइटिंग और स्पीचेज हैं जो संपूर्ण वाग्मय बाबा साहब का लिखा गया है, जो कि इंग्लिश में महाराष्ट्र सरकार ने उसको पब्लिश किया है, हिंदी में बाबा साहब अम्बेडकर संस्थान जो हमारा दिल्ली में है उन्होंने भी इसको प्रकाशित किया है, तो उसमें जो वॉल्यूम 7 जो है, वॉल्यूम 7 के अगर हम निकाल कर देखें तो वॉल्यूम 7 जो हूवर शूद्राज है कि शूद्र कौन थे, बाबा साहब ने उसमें लिखा है हूवर शूद्राज अपनी किताब में कि जो शूद्र जो थे वो क्षत्रिय थे। और शूद्रों का हवाला देते हुए बाबा साहब ने सुदास और पैजवन, सुदास और पैजवन दो नाम बताए हैं। सुदास पैजवन, सुदास को देवदास का पुत्र बताया गया है और पैजवन जो है वो पैजवन का पुत्र बताया गया है। और इसके लिए बाबा साहब ने जो रेफरेंसेस जो हूवर शूद्राज में दिए हैं वो विष्णु पुराण, ऋग्वेद और महाभारत, इन दोनों तीनों को मिलाकर के इनके रेफरेंसेस बाबा साहब ने दिए हैं कि जो महाभारत का जो पैजवन है, पैजवन, पैजवन का पुत्र पैजवन, और जो ऋग्वेद का देवदास का पुत्र सुदास जो है वो कहीं ना कहीं एक जाति से संबंध रखते थे, और जो देवदास है उसको पौरुष कहा गया है, इनके पुरु का वंशज सुदास उनका पुत्र बताया गया है। तो सुदास कहीं ना कहीं बाबा साहब लिखते हैं कि सुदास जो है वो पौरुष है यानी कि पुरु का वंशज है, और जो सुदास की जो जाति उसमें बताई गई है और जहां बाबा साहब ने लिखा है कि सुदास त्रिस्तु जाति को जो है बिलोंग करते थे, और वो जो त्रिस्तु पुरु और भरत, ये एक जगह भरत का जो रेफरेंस आया है सुदास के लिए, वो सुदास का जो पिता है उसका संबंध भरतों से बताया गया है। और भरत बाबा साहब लिखते हैं कि जो भरत जो है वो भरत, पुरु और त्रिस्तु, ये तीन जो नाम अलग अलग सुदास और पैजवन के माध्यम से जो बाबा साहब ने विष्णु पुराण, ऋग्वेद और महाभारत के रेफरेंसेस देते हुए जो बाबा साहब ने बताया है, वो कहीं ना कहीं बाबा साहब ने लिखा कि ये इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जो पैजवन जो है या सुदास जो है वो कहीं ना कहीं तत्कालीन समय के अनुसार बदलते हुए एक ही आदमी, कहीं उसको ऋग्वेद में पैजवन लिखा गया, ऋग्वेद में जो है इस सुदास लिखा गया है, महाभारत में उसको पैजवन लिखा गया है, और यहाँ तक भी बाबा साहब लिखते हैं कि जो सुदास जो था
उसका विश्वामित्र ने उसका राज्याभिषेक किया और उसने लगभग इस भूमंडल पर लगभग सारे क्षेत्र को अपने अधिकृत करके और एक भूमंडलीकरण किया। तो वो सारी चीज़ें जो बाबा साहब लिखते हैं कि कहीं ना कहीं वो बहुत पराक्रमी राजा थे और वो क्षेत्रीय थे, और जो बाबा साहब के जो रेफरेंसेज जो लिख कर के आती हैं बाबा साहब जो लिखते हैं कि पुरु, भरत और त्रिस्तु, यानी कि ये तीनों जो अलग अलग संदर्भ दिए गए हैं, बाबा साहब कहते हैं या तो ये एक ही शब्द की तीन प्रणालियाँ थी, एक शब्द एक वंश की तीन जातियाँ थी, और इन तीनों ही जातियों को अलग अलग करके देखें या इनका संबंध मान के देखें तो ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक ही जाति से इनका संबंध था, एक ही वंश से संबंध था। समकालीन जो संदर्भ आए वहाँ कहीं पुरु यूज किया गया है, शब्द यूज किया गया है, या कहीं त्रिस्तु या भरत या किया गया है। तो इस लिहाज से अगर बाबा साहब को स्टडी किया, जो बाबा साहब की स्टडी के लिए जो बात आई उसमें कम्प्लीटली बाबा साहब ने ये लिखा कि जो भरत जो है वो एक जाति है और सुदास भरत जाति से संबंध रखते थे, और कहीं ना कहीं ये भरत जाति वही है जिस पर इस देश का नाम भारत रखा गया। और ऐसा बाबा साहब ने हुवर सुदराज में इन बातों को बहुत गहनता से चिंतन करते हुए लिखा है कि जो इस देश का नाम है वो भरत नाम की जो जाति थी वो उसके ऊपर नाम से ये इस देश के पूर्वजों के नाम से, इस देश के राजाओं के नाम से रखा गया है। तो ये जो भरत नाम को जो बाबा साहब ने जो जताया कि कहीं ना कहीं उसी भरत के नाम से ही हमने इस देश का नाम भारत रखा, और कहीं ना कहीं हम संविधान निर्मात्री सभा में भी बाबा साहब बड़े जोर के साथ इस बात को रख पाए और उन्होंने बड़ी मेहनत करते हुए इस भारत शब्द की सार्थकता के साथ इस राष्ट्र को एक ऐसा नाम दिलाया जो यहाँ के पूर्वजों से आधारित प्रेरित है और उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए हम सबको कहीं ना कहीं प्रेरित करता रहता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने अभी हमारे दर्शकों को भारत की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में बाबा साहब के विचारों से अवगत कराया, और इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म व हिंदुस्तान के बारे में क्या विचार थे, इसको थोड़ा विस्तार से और बताएं। देखिए, जैसा कि हमने अभी आपसे बात की कि भारत शब्द की उत्पत्ति और विकास, उसमें बाबा साहब की जो विचारधारा क्या थी, बाबा साहब का लिटरेचर क्या था, उस पर हमने बात की। और अब जैसा कि आप पूछना चाह रहे हैं कि बाबा साहब के हिंदू धर्म और हिंदुस्तान को लेकर के क्या विचार थे, या मैं ये कहूँ कि अंबेडकरवादी विचारधारा में हम हिंदू धर्म और हिंदुस्तान के बारे में क्या हम मानते हैं, क्या सोचते हैं, इसके लिए क्योंकि अंबेडकरी विचारधारा का जो माध्यम है, जो स्रोत है हमारे सामने, वो राइटिंग एंड स्पीचेज से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, जो बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेज हैं। और राइटिंग एंड स्पीचेज के जो तीसरा जो वॉल्यूम है वो फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म जो लिखा है, और उसमें एक जो बुक है उसका नाम क्रांति और प्रतिक्रांति, रिवोल्यूशन और काउंटर रिवोल्यूशन, उस रिवोल्यूशन और काउंटर रिवोल्यूशन के एक अध्याय के तहत बाबा साहब लिखते हैं, उस अध्याय का नाम है हिंदुओं के आचार विचार, कि हिंदुओं के आचार विचार कैसे थे, वो कैसे रहते थे, कौन लोग हिंदू कहे गए। तो बाबा साहब उस वॉल्यूम थ्री में हिंदुओं के आचार विचार अध्याय के माध्यम से लिखते हैं कि हिंदू कहीं ना कहीं वो लोग थे जो हिंदू कुश पर्वत की तरफ जो रहते थे, और जो हिंदू कहीं ना कहीं एक ऐसे समाज में थे जो अपने आचार विचार से एकदम बिल्कुल अलग से पहचान उनकी बनती थी। क्योंकि बाबा साहब लिखते हैं कि जो हमारा जो आचार विचार हिंदुओं के उसमें रहा, उसके लिए कहीं ना कहीं बाबा साहब हमारे को क्लियर रूप से ये बताते हैं कि हिंदू अगर किसी शब्द को देखा जाए तो वो लोग जो हिंदू जो थे वो हिंदुस्तान, वो शब्द का अर्थ निकलता है जो हिंदू लोग जिस वास पर स्थान करते थे, जिस निवास पर स्थान करते थे, वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान है। और बाबा साहब लिखते हैं कि इसकी जो आप उत्पत्ति के बारे में अगर आप देखना चाहें तो ये कैसे, तो हिंदू जो है वो एक वैदिक धर्म है और पौराणिक धर्म है जो कि पुराणों पर आधारित है, स्मृतियों पर आधारित है। बाबा साहब लिखते हैं कि ये जो स्मृतियों का जो काम हुआ वो लगभग 108 बाबा साहब लिखते हैं कि स्मृतियाँ टोटल हिंदू पुराणों के हिसाब से हैं,
और वो 108 स्मृतियाँ कहीं ना कहीं या सीधे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मनुस्मृति की ही कहीं ना कहीं पुनरावृत्तियाँ लगती हैं। और बाबा साहब कहते हैं कि जो मनुस्मृति का जो लिखने का जो कार्यकाल रहा है वो पुष्यमित्र सिंह जो थे उनकी क्रांति के बाद, क्योंकि जो राजा बोध राजा बृहद्रथ की जो हत्या पुष्यमित्र सिंह ने जो की, उस क्रांति के बाद ईसा पूर्व 185 सुमति भार्गव नाम के आदमी ने, जो अपने नाम के साथ मनु उपनाम लगाता था, उसने मनुस्मृति की रचना की और कहीं ना कहीं सारी स्मृतियाँ मनुस्मृति की ही ठीक पुनरावृत्ति बाबा साहब मानते हैं कि थी। और मनु में लिखा गया है कि अगर हम किसी एक आदमी को पूछते हैं कि आप कौन हैं, वो बताता है अगर मैं हिंदू हूँ, तो बाबा साहब मानते हैं कि हिंदू एक इतना भ्रामक शब्द है, इसको समझने के लिए हमें बहुत गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा। और बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू जो शब्द है, जब हम मानते हैं कि हिंदू कोई अपने आप को बताता है, तो हम ये समझ जाते हैं कि वो एक ही शब्द में अपने देश का नाम, अपने कुल का नाम और अपनी जाति का नाम बता रहा है। क्योंकि हिंदू एक देश का नाम भी हिंदुस्तान, और हिंदू एक धर्म है उसका नाम भी, और एक हिंदू एक जाति के नाम से जो हिंदू जाति के लोग थे वो भी। बाबा साहब कहते हैं कि एक आदमी इतनी ही देर में अपनी तीनों चीज़ों का उत्तर देता है कि मैं, मेरा राष्ट्र, मेरा धर्म और मेरा कुल क्या है। तो वो बाबा साहब ने लिखा कि ये जो स्मृतियों पर आधारित जो है, वहीं कहीं ना कहीं वैदिक और पौराणिक जो साहित्य है वो हिंदू धर्म और हिंदुस्तान की तरफ इशारा करते हैं, जैसा कि बाबा साहब ने क्रांति और प्रतिक्रांति नामक अपनी पुस्तक में जो लिखा है वो ये क्लियर करते हैं कि इसको हिंदू शब्द का जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं उनके पूर्वजों से या निकला है। और जो बाबा साहब कहते हैं कि एक क्लियर अर्थ नहीं निकलता, कि तीन अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं, और इस तरीके से आप दर्शकों को समझा सकते हैं कि हिंदू धर्म क्या है, और जो लोग हिंदू थे और जो वहाँ निवास करते थे तो वो उसको ही हिंदुस्तान कहा गया है। जैसे कि डॉक्टर साहब आपने अभी हमारे दर्शकों को बताया कि 185 ईसा पूर्व जो है दसवें शासक बृहद्रथ मौर्य की हत्या जो है पुष्यमित्र के द्वारा की गई, और उसके बाद ही मंगू ऋषि द्वारा जो है मनुस्मृति की स्थापना की। उसी के आधार पर देखा जाए तो हिंदू धर्म की स्थापना तभी से मानी जाती है। तो इसी कड़ी को आप और हम संवाद कार्यक्रम के माध्यम से आगे जोड़ते हुए मैं डॉक्टर साहब आपसे एक अगला सवाल करना चाहूँगा। जैसे कि आप कानून के प्राध्यापक हैं, और अगर हम आपके साथ इस संवाद को कानूनी क्षेत्र के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहें तो आप हमारे दर्शकों को इस विषय में क्या क्या बताना चाहेंगे? कि जहाँ तक इस विषय को एक कानून क्षेत्र के माध्यम से हम बढ़ाएं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम इसको जो भारत जो शब्द है इसकी व्याख्या के लिए या इसको समझने के लिए हमारे पास जो कानूनी क्षेत्र में जो सबसे बड़ा मूल जो हमारा ग्रंथ है इस भारतवर्ष का, वो भारत का संविधान है। और भारत के संविधान में जो इस शब्द को व्याख्यित किया गया है उसी तरीके से हम कहीं ना कहीं ये जान सकते हैं कि जो भारत शब्द है इसको भारतीय संविधान लागू होने के बाद में एक संवैधानिक रूप मिला है, और इस संवैधानिक रूप के साथ कहीं ना कहीं हम इसको एक राष्ट्र को एक संवैधानिक रूप से ये मान सकते हैं कि हमने इसको कहीं ना कहीं इस तरीके से स्थापित बाबा साहब ने और संविधान निर्माता सभा के सदस्यों ने किया है कि अगर हम इस भारत को ठीक से समझ पाए तो इसके लिए मैं जो मानता हूँ कि भारतीय संविधान के अलावा बाबा साहब की राइटिंग और स्पीचेस और संविधान निर्माता सभा की जो डिबेट्स थी, हमें उनका कहीं ना कहीं उन पर चर्चा करनी होगी या उनका अध्ययन करना होगा। जैसे कि डॉक्टर साहब आपने अभी हमको बताया और हमारे दर्शकों को बताया कि भारत शब्द को लेकर क्या क्या विचार विमर्श जो है संविधान सभा में हुआ और जो उतार चढ़ाव उस दौरान आए, तो अब मैं यहाँ आवश्यक हो जाता है कि भारतीय संविधान में वर्णित उपबंधों के बारे में बताएं कि इस देश के नाम की सार्थकता को सिद्ध करते हुए कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए।
देखिए, जो कि भारत शब्द की व्याख्या को लेकर के उसके जो विचार विमर्श भारतीय संविधान निर्मात सभा में हुआ, मैं थोड़ा प्रकाश उस पर डालना चाहूँगा, आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो भारतीय निर्मात्री सभा जो थी, भारत संविधान निर्मात्री सभा, जिसका गठन 1946 में किया गया और बाबा साहब को उसमें बंगाल से चुन करके भेजा गया, और वहाँ जो इस शब्द को अगर आप कहें कि भारत शब्द पर जो विचार विमर्श संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों के बीच जो हुआ, वो आप संविधान निर्मात्री जो सभा है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स जो लिखित में पार्लियामेंट से आपको, पार्लियामेंट हमारा जो है उसका लाइब्रेरी सेक्शन वो पब्लिश करके इसको सेल भी करता है, तो वो कहीं ना कहीं हम उससे ये संदर्भ जोड़ करके देख सकते हैं, वहाँ उनको पढ़ सकते हैं। और जो मुझे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स पढ़ने के बाद जो बिल्कुल स्टीक याद आता है, वो 17 सितंबर का दिन मुझे याद आता है 1949 में, जिस दिन शाम के 7 बजे के करीब इस भारत नाम पर, इस भारत देश के नाम को लेकर के और अनुच्छेद 1 जो भारतीय संविधान का है उस पर चर्चा शुरू हुई, शाम के 7 बजे के चर्चा आरंभ हुई। तो उसी वक्त संविधान निर्मात्री सभा के एक जो सम्माननीय सदस्य थे मोहम्मद नजरुद्दीन अहमद जी, नजरुद्दीन जी ने कहा कि बाबा साहब ये आज अनुच्छेद 1 का मामला है, आज ये आपके भारत का नामकरण संस्कार का मामला है, और अनुच्छेद 1 को हम तब तक बहस के साथ पूरा नहीं कर सकते जब तक कि आप मिठाइयाँ मिलाकर मंगवा करके सदन को ना खिलाएं। मतलब एक ये देखिए कि संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य आपस में किस उल्लास के साथ, किस एक उद्देश्यबद्ध तरीके से बातें करते हुए दिखाई दिए। और उसके बाद जो सभापति महोदय जो थे उन्होंने कहा कि इस अनुच्छेद 1 को आज हम डेफर्ड करके, पोस्टपोन करके आगे कल के लिए रख लेते हैं, क्योंकि आज अनुच्छेद 1 को पास कराने के लिए जो जरूरी कोरम जो संविधान सभा का चाहिए 1/3, वो 97 सदस्य बनता है और हम 86 लोग यहाँ हैं, वो पूरा कहीं नहीं हो रहा है। तो एक सम्मानित सदस्य ने उठकर कहा कि सभापति महोदय, ये क्या गारंटी है कि कल भी ये 86 से 97 लोग हो जाएंगे, इनकी कोरम पूरा हो जाएगा। और इसके साथ साथ बाबा साहब ने भी उस चीज़ को सभापति महोदय के सामने रखा कि कुछ लोग बाहर संविधान सभा से बाहर खड़े हैं और मार्शल को भेज करके, कॉल करके उनको बुलाया जा सकता है और कोरम पूरा करके क्यों ना हम इस अनुच्छेद 1 पर चर्चा आरम्भ करें। तो चर्चा अनुच्छेद 1 पर 17 तारीख को, जैसा कि 17 सितंबर को ना हो करके 18 सितंबर को इसको कंप्लीट किया गया। 18 सितंबर 1949 को जो संविधान सभा में जो पारित किया गया कि अनुच्छेद 1 इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, के जो भारत है वो एक राज्यों को, जिसको हम एक राज्यों का समूह मानेंगे, वो अनुच्छेद 1 के तहत पारित किया गया। इतने पर जब जैसे ही अनुच्छेद 1 पारित हुआ तो श्री कमलापति त्रिपाठी जी ने बाबा साहब को बधाइयाँ दी कि बाबा साहब आपको बधाई हो। बाबा साहब तुरंत समझ गए कि कमलापति त्रिपाठी किस दशा में जाकर के मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं, कि क्या कमलापति त्रिपाठी कहना चाह रहे हैं, कि वो इसलिए बधाई दे रहे हैं कि जो भारत का नाम जो वो समझते हैं उसी नाम से इस देश का नाम भारत रखा गया। तो बाबा साहब ने कहा कि आप त्रिपाठी जी, आप ये मान लें कि जो आप भारत देश, भारत का जो अर्थ निकालते हैं ये वो भारत नहीं है। तो कमलापति त्रिपाठी जी ने पूछा बाबा साहब से, तो फिर क्या मतलब मानते हैं आप, किस तरीके से हम इसका मतलब निकालें। तो जो कमलापति त्रिपाठी जी को बाबा साहब ने कहा कि शायद अब इस जगह ये उचित नहीं होगा कि सारी व्याख्याएं की जाएं इसका क्या मतलब है, लेकिन ये मान लीजिए कि आप जो भरत का मतलब, दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र भरत, जो आप हिंदूवादी विचारधारा के लोग, मनुवादी विचारधारा के लोग जो मानते हैं, वो इसका मतलब नहीं निकलता है। तो कमलापति त्रिपाठी जी पूछते कि बाबा साहब इसको क्लियर करके बताइए तो क्या निकलता है। बाबा साहब ने कहा कि ये क्या इस वक्त उचित होगा कि हम इसी चीज़ पर चर्चा करते रहें, ये कहीं किसी और माध्यम से हम बात करेंगे।
तो वो जो बाबा साहब ने जो उस टाइम कहा, उसका जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 7th जो वॉल्यूम है हुवर सूदराज, उसको हम कनेक्ट करके देखें तो भारत शब्द की व्याख्या जो संविधान निर्मात्री सभा में जो इस शब्द को भारत के लिए जो अनुच्छेद 1 जो बनाया गया वो कहीं ना कहीं अपनी सार्थकता सिद्ध करता है। और बाबा साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये भारत जो वर्ड है ये भरत से, जो भरत और शकुंतला का जो पुत्र है वहाँ से नहीं लिया गया, ये भरत जो यहाँ की जो शासक जातियाँ थी कहीं ना कहीं उनसे प्रेरित होकर इस देश का नाम भारत रखा गया। और जहाँ तक गौतम जी आप बात करते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो इस बात की सार्थकता को सिद्ध करता है, अनुच्छेद 1 भारतीय संविधान का कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। और इसके साथ साथ अगर हम अनुच्छेद 5 की बात करें तो अनुच्छेद 5 भारत के नागरिकों के लिए नागरिकता का प्रावधान करता है। और अब ये माने कि ये देश जो है और ये संविधान जो है भारत के लिए है, इसको ठीक से समझने के लिए हम अनुच्छेद 393 जो शॉर्ट टाइटल के रूप में है वो उसमें लिखा गया है दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत का संविधान होगा, ना कि किसी और तरीके से किसी अर्थ का या किसी शब्द का। तो अनुच्छेद 1, 5 और 3 को अगर हम कॉमन रूप से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं संवैधानिक भाषा में, हम आप ये कहें कानूनी भाषा में कहें, कि ये इस चीज़ को बिल्कुल प्रमाणित करते हैं कि जो कानूनी रूप से आप देख सकते हैं, संवैधानिक रूप से आप देख सकते हैं कि इस भारत का अर्थ कितना सार्थक और गहन है। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम अपने दर्शकों को भारत और हिंदुस्तान दोनों में देखते हैं कि चाहे राजनीति से इत्तेफाक रखता हो या फिर समाज से, अधिकतर लोग भारत की बजाय हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग ही इस देश के लिए करते हैं। आपको क्या लगता है कि आपको इस बात का पता है या नहीं, या इस देश के आम जनमानस को इस बारे में जानकारी है या नहीं? ये जैसा कि गौतम जी आपने पूछा कि ज़्यादातर लोग चाहे वो समाज से इत्तेफाक रखते हों या राजनीति से, वो भारत की बजाय हिंदुस्तान शब्द के प्रयोग पर ज़्यादा जोर देते हैं। इसके लिए मैं आपको और आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग इस देश के ऐसे हैं जिन्हें इन बातों का और ख़ासकर भारत शब्द के जो अर्थ है, जो उसका स्रोत जा रहा है, उन चीज़ों का नहीं पता, इसलिए वो अनजाने में भारत की बजाय हिंदुस्तान शब्द का भी प्रयोग करते हैं। और जहाँ हिंदुस्तान शब्द की जो बात है उसके लिए जो उनका प्रयोग शैली जो है, वो कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो जानबूझ करके इस हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं भारत की बजाय, और भारत को वो उस तरीके से इतना महत्व नहीं देते, क्योंकि वो हिंदू और मनुवादी जो सोच के लोग हैं वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान शब्द को ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन उनकी बजाय ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं कि ये क्या कार्यशैली रही और कैसे बाबा साहब ने इस भारत का नाम सार्थकता के उसमें देखा, वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ज़्यादातर लोग अनजाने में, कुछ चतुर चालाक जो मनुवादी लोग हैं वो जानबूझकर इस भारत को हिंदुस्तान शब्द की व्याख्या करते हैं। जैसे कि भारत या हिंदुस्तान जो आज चर्चा का विषय चल रहा है हम आप और संवाद कार्यक्रम में, और मेरे साथ बैठे हुए डॉक्टर अजीत चहल जी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से हैं, विधि विभाग से। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आगे बात करना चाहूँगा, जैसे कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि ज़्यादातर लोगों को अपने देश भारत की महत्ता के बारे में पता ही नहीं है, परंतु कुछ शातिर मानसिकता वाले लोग जानबूझकर अपने हित साधने के लिए ऐसा करते हैं, संविधान या अन्य कानून में कोई ऐसी मनाही या उसके लिए सजा का प्रावधान है या नहीं, ऐसा मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा। जहाँ तक संविधान में इस शब्द को जो प्रतिस्थापित किया गया है, और ये जो भारतीय संविधान है उसकी जब संविधान निर्मात्री सभा के टाइम पर, तो इसमें जो आज हमारे सामने मौजूद है जो पार्ट 4A जिसको हम मौलिक कर्तव्य जो कहते हैं, जो इस देश के नागरिकों के लिए जो मौलिक कर्तव्य हैं,
वो उस टाइम तो वो शामिल नहीं हुआ, लेकिन 1976 में ज़रूर 42वें संशोधन के तहत शामिल कर दिया गया। और ये जो पार्ट फोर्थ ए में मौलिक कर्तव्य जो हम नागरिकों के हैं, उनमें पहला ही कर्तव्य ये बनता है कि हम संविधान की आदेशों की पालना करें और संविधान के अनुसार ये के पथ पर चलते हुए जो भी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो भी संस्थान जो हैं, चाहे वो जुडिशरी है या कार्यपालिका है, न्यायपालिका है या कोई अन्य संस्थान जो इसके आधार पर बनाए गए हैं, उनका हम पालन करें, उनकी अनुपालना करें। तो ये हम हमारा सबका कर्तव्य हो जाता है भारत के नागरिकों का कि हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। क्योंकि भारत जो संविधान है उसमें कर्तव्यों का पालन ना करने पर उसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं बनाया गया है कि किसी को कठोर दंड दिया जाए या नहीं, क्योंकि मौलिक अधिकार और कर्तव्य, वैसे जब हम अधिकार मांगते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए। इसी सोच के साथ शायद संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों ने संविधान का निर्माण करते समय मौलिक कर्तव्यों का इसमें समावेश नहीं किया, क्योंकि वो मानते थे कि इस देश के जो नागरिक हैं वो बड़े अच्छे तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। जहाँ तक किसी दूसरे कानून की बात आती है कि तो उसमें हम ये मानते हैं कि जो भारतीय दंड संहिता है उसका जो धारा 224A जो है उसमें एक सेडिशन नाम के ऑफेंस का प्रावधान है, अपराध का प्रावधान है। लेकिन उस 124A को अगर हम पढ़ें तो सीधे तौर पर हम ये मतलब नहीं निकाल सकते कि भारत को, इस राष्ट्र को इस राष्ट्र के नाम से ना पुकारना कोई IPC में अपराध बनता है, क्योंकि उसका जो व्याख्या है उसके हिसाब से हम नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर हम ला कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसका 42वां जो रिपोर्ट है जो 1971 में आई, और 42वें रिपोर्ट में 149-150 पेज पर जो ला कमीशन ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्टिंग दी अपनी, जो उसमें उन्होंने कहा है कि जो सेडिशन जो है और जो देशद्रोह का जो अपराध है IPC में, उसमें भारतीय संविधान और उसकी संस्थाओं को भी शामिल कर दिया जाए कि कोई इस उद्देश्य से भारत शब्द का, भारतीय संविधान का अगर अपमान करता है तो उसको शामिल किया जाए। लेकिन अभी ला कमीशन ऑफ इंडिया की वो रिपोर्ट लागू नहीं हुई है तो हम उस तरीके से भी नहीं कह सकते कि ये कोई एक अपराध बनता है। लेकिन 1971 में भारत जो पार्लियामेंट भारत की जो है उसने एक कानून पास किया गया, वो प्रिवेंशन टू इंसल्ट टू द ऑनर्स एक्ट, तो वो ऑनर्स एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू ऑनर्स एक्ट। उस 1971 के एक्ट में कहीं ना कहीं ये प्रावधान जरूर है कि हमें भारतीय संविधान का, भारत शब्द का और भारत की संस्थाओं का पालना करनी है। अगर हम किसी इलविल के साथ जानबूझ करके अगर इस तरीके करते हैं तो उसकी जो धारा 3 है उसमें कहीं ना कहीं जरूर एक 3 साल की सजा का प्रावधान है। अगर इस सरकार को उखाड़ फेंकने की मंशा से कोई इस शब्द को यूज करता है या इस देश के प्रति आपराधिक मानसिकता से जो यूज करता है वो सिर्फ उनके लिए है, अदरवाइज हम मतलब ये नहीं कह सकते कि इस तरीके से इस कोई अपराध जो बनता है ये अपराध नहीं, बल्कि हमारा एक जो समझने की जो ताकत हमारे मन की है, जो हमारे अंदर जो इस शब्द को, मनुवादी शब्द हिंदुस्तान और संवैधानिक शब्द भारत को डिफ्रेंशिएट करने की जो बात है उसमें कहीं ना कहीं हम इस भारत के लोग विचलित हैं। अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई अपराध सीधे तौर पर बनता हो, लेकिन अगर ला कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट हम मान लें उसको लागू कर दिया जाए तो जरूर कहीं ना कहीं एक अपराध की तरफ ये इशारा करेगा। जैसे कि डॉक्टर साहब आप इतना मतलब गहन अध्ययन के बाद में हमारे दर्शकों को इस विषय में जानकारी दे रहे हैं कि इस देश को भारत के नाम से जाना जाए या हिंदुस्तान के नाम से जाना जाए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल और मुद्दे की हम बात कर रहे हैं। तो इस कड़ी में मैं आगे बात करते हुए डॉक्टर साहब आपसे कुछ जानने के बाद शायद हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि इतनी सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक हमें क्यों नहीं मिल पाए, इस देश के कैसे नागरिक हैं हमें इन सब बातों का अभी तक पता ही नहीं लग पाया। अब मेरा आपसे ये जानना बाकी है कि हम
आप हमें बताएं कि हमारे देश के जिम्मेदार नागरिकों का इस महत्वपूर्ण विषय में क्या कर्तव्य बनता है। जहाँ तक आपकी जो बात है वो इस देश के नागरिकों के लिए जो आप पूछना चाहते हैं कि क्यों ज़्यादातर नागरिकों को इस बात का नहीं पता है कि जो हमारा जो देश है उसका नाम भारत है, हिंदुस्तान नहीं है। लेकिन जो भारत जो शब्द है वो एक संवैधानिक शब्द है और कहीं ना कहीं इसके लिए हमारी जानकारी हम ठीक से उपलब्ध नहीं करा पाए हैं अपने नागरिकों को। भारत सरकार को चाहिए कि वो इस तरीके से हर नागरिक तक कम से कम ये जानकारी पहुंचाए कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो भारत शब्द की व्याख्या करता है, ना कि किसी दूसरे शब्द की। और जो भारत शब्द की जो व्याख्या है उसके साथ जो हम ये मानते हैं कि हमारे जो नागरिक हैं उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का आभास होना चाहिए, उनको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए कि हमारा जो कर्तव्य है हम उसको ठीक से समझें। जहाँ तक भारतीय संविधान की बात है और हम भारत के नागरिकों के कर्तव्य की बात जो कर रहे हैं कि क्या भारतीय नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि वो इस देश की सार्थकता के हिसाब से इस देश के नाम को उद्धारित करें या प्रचलित करें, तो उसके लिए मैं आपके दर्शकों को आपको ये बताना चाहूँगा इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से कि हमारा ये कर्तव्य बनता है भारत के नागरिक होने के नाते कि हम ये सारी जानकारियाँ कहीं ना कहीं प्राप्त करें। लेकिन जो जानकारी प्राप्त करने का जो माध्यम है, जो सीधा और स्टीक माध्यम है, वो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो सबसे जो पहला माध्यम है वो हमारे इस देश का, इस भारत का संविधान है। इस भारतीय संविधान में जो कुछ लिखा है वो हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन आप भी इस बात को मानेंगे कि हमारे जो देश के नागरिक हैं, लगभग जो हम 125 करोड़ के पार कर गए जो जनसंख्या हमारी, इसको अब अगर हम देखें इतनी बड़ी आबादी को, तो वो कहीं ना कहीं इतना पॉसिबल नहीं लगता कि हर नागरिक इन चीज़ों को पढ़ पाए। तो इसका एक माध्यम बनाया जाए कि भारतीय संविधान जो लोग लिटरेट नहीं है, अशिक्षित जो लोग हैं उन तक कैसे पहुँचे, इस संविधान का, इस देश के जो नाम जो है और इस संविधान का जो मेन थीम जो है, जो कि कल्याणकारी एक राज्य भारत है, और उनका जो एक मेन आधार जो है ज़्यादातर लोगों की भलाई का जो इस कानून के माध्यम से, इस संविधान के माध्यम से है, वो लोगों तक पहुँचे, इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार, आप और हम सब मिलकर के इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात की जानकारी पहुँचे। और इस बात की जानकारी हम ज़्यादातर ले कहाँ से सकते हैं, वो भारतीय संविधान से ले सकते हैं और बाबा साहब के जो राइटिंग एंड स्पीचेज जो वॉल्यूम हैं उनसे हम ले सकते हैं, जो कि वॉल्यूम 13 जो है, वो 13वां वॉल्यूम, वो भारतीय संविधान के ऊपर ही आधारित है। बाबा साहब का चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से है वो, तो वो कहीं ना कहीं उसमें जानकारियां हैं। और जो राइटिंग एंड स्पीचेस के जो दूसरे वॉल्यूम हैं उनमें जानकारियां हैं। एक ऐसा लिटरेचर जो आपके पास मौजूद है लेकिन उसकी जो आसानी से उपलब्धता जो है लोगों के पास नहीं है, और आप अगर यूं कहें कि कुछ लोग तो मतलब अशिक्षित जो लोग हैं उनको तो हम ये इस तरीके से पढ़वा भी नहीं सकते क्योंकि वो इस तरीके से परिपूर्ण नहीं है कि वो उसे पढ़ें, तो पढ़ने का जो तरीका है उनका वो इतना सीधा और सटीक नहीं हो सकता। तो ये हमारी जो दूसरे जो जागरूक नागरिक हैं उनका ही कर्तव्य बन जाता है सरकार के साथ साथ कि वो जब भी बात करें एक संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक रूप से जो स्थापित जो शब्द जो है हमारे इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, उसी का शब्द करें, शब्द का इस्तेमाल करें। और कहीं ना कहीं आम लोगों को भी हम ये बातचीत में ज़रूर बताएं कि जो हमारा जो भारत का संविधान है उसने जो हमें इस भारत राष्ट्र के नाम पर जो एक शब्द जो दिया है, भारत जो हमारा राष्ट्र का नाम है, वो ही हम कहीं ना कहीं यूज करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके टीवी चैनल के माध्यम से या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब आपस में जब बातचीत होती है उसके माध्यम से हम बताएं। और हम जो नागरिक जो ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नागरिक हैं उनका ये अनपढ़ जो नागरिक हैं हमारे इस देश के, उनसे ज़्यादा कर्तव्य बनता है कि वो दोहरा काम उनको करना होगा कि खुद एक अपने आप उस चीज़ की शिक्षा ग्रहण करके जो हमारे साथी जो अभी तक पढ़ाई लिखाई में इस तरीके से अनपढ़ता के जो शिकार हैं
वो उनको बताने की, पढ़े लिखे नागरिकों की, जिम्मेदार नागरिकों का ज़्यादा कर्तव्य बन जाता है, वो उनको बताएं। और फिर ये देखिए कि जब हम दोनों तरीके से, क्योंकि एक तो जो लिटरेट नागरिक है और एक इलिटरेट नागरिक है, जो एक पढ़ा लिखा समाज है इस देश का, पढ़ा लिखा जो नागरिक है उसका जो कर्तव्य है, अनपढ़ जो नागरिक जो हमारे, क्योंकि इस देश में दोनों ही प्रकार की आबादी हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको हम बताएं। पढ़े लिखे नागरिकों का ज़्यादा कर्तव्य होता है कि वो अपने अनपढ़ साथियों को बताएं कि ये भारत शब्द है, इसकी क्या सीधी और स्टीक जानकारी है, हमारा भारतीय संविधान है, इसके लिए हम कहीं ना कहीं दोहरे कर्तव्य का हमें अनुपालना करनी पड़ेगी। क्योंकि जब भारतीय संविधान में पार्ट 4A में, जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि अनुच्छेद 51A में जो चीज़ दी हुई है कि हम भारतीय संविधान का और इसके इंस्टीट्यूशंस की पालना करेंगे, ये हमारा कर्तव्य है, तो उन्हीं कर्तव्यों के आधार पर ही हमारा एक जो पढ़े लिखे नागरिक है उनका ज़्यादा कर्तव्य है कि अपने दूसरे साथियों को भी इसकी जानकारी हम प्रॉपर रूप से दें, ताकि हमारे इस देश के नागरिक, हमारे इस राष्ट्र के सभी नागरिक इस बात को भली भांति समझ लें कि हमारा जो राष्ट्र है वो बड़ा गौरवशाली राष्ट्र है और इसका जो शब्द है जो भारत, वो बड़ा गौरवमय शब्द है और सभी को इसके लिए समझना होगा, और तभी जा कर के हम अपने नागरिक होने का जो कर्तव्य है वो इस देश के प्रति पूरा कर सकते हैं, कि वो हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ लिटरेचर के माध्यम से, किताबों के माध्यम से हम अपने इकट्ठी करें, उस पर बातचीत करें और अपने साथियों के बीच में उसका, उसको ये करें, आदान प्रदान करें, तभी हम नागरिकों का कर्तव्य, मैं मानूंगा कि कहीं ना कहीं हम उस दिशा में जाएंगे कि जो हमारा इस देश के नागरिकों का कर्तव्य बनता है उसको पूरा करते हुए नजर आएंगे। आपके बीच आज महत्वपूर्ण चर्चा लेके आया हूँ, भारत या हिंदुस्तान, जिसका सटीक सटीक जवाब अपने शब्दों के, अपने अध्ययन के माध्यम से डॉक्टर अजीत चहल जी, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में विधि विभाग से प्रोफेसर हैं, वो दे रहे थे। और इसकी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अब इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हूँ कि हमें अपने दर्शकों को इस प्रकार की सटीक जानकारी देने के लिए मैं आदरणीय अजीत चहल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और चलते चलते मैं चहल साहब से केवल इतना ही जानना चाहूँगा कि आपको जो आज करोड़ों लोग देख रहे हैं और आपकी बातों से प्रेरित भी हो रहे हैं, कि आपने जो सटीक जानकारी दी है और लोगों को आपके जानकारी से करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन भी हो रहा है, मेरा मानना यह है कि आने वाले समय में दर्शकों को आप इस चैनल के माध्यम से, आवाज़ इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से जो संदेश देना चाहते हैं, उस संदेश को जो है इस आम जनमानस के लिए जो है आप मुझे बताएं। और जैसा कि आप जैसे बुद्धिजीवी लोग इस देश के अंदर बहुत सारे हैं, बहुत सारे कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं, अध्यापक भी हैं, इसके अलावा डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, वकील भी हैं, जज भी हैं, तो ऐसे पढ़े लिखे तबके के लिए मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब आपका कोई मैसेज होना चाहिए कि इस देश को हम कैसे भगवान बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर लेके चलें, कैसे कैसे हम लोग दिन रात आगे बढ़ के तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि हमने पिछले देखा जाए तो करीब 4,500 सालों से इस देश में गुलामी की ज़िंदगी जी है। अगर बाबा साहब की कलम में ताकत नहीं होती, बाबा साहब ने कलम नहीं चलाई होती, तो आज हम 63 सालों से जो आज़ादी की ज़िंदगी में सांस ले रहे हैं उसको नहीं ले पा रहे होते। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि हम लोगों के लिए ऐसी सटीक जानकारी आपने दी, हमारे दर्शकों को बताई, और उन सभी पढ़े लिखे तबकों के लिए एक संदेश होना चाहिए जो इस देश में आप ही की तरह कार्यरत हैं। देखिए गौतम जी, जो आपका जो सवाल है कि हम आपसे उस पर बात करें कि हम क्या संदेश अपने देखने वालों को, दर्शकों को जो देना चाहते हैं, दर्शकों को जो संदेश, जो मैं बाबा साहब के विचारधारा से जुड़े हुए और जो दूसरे लोग हैं वो जो देना चाहते हैं, उससे पहले जो आपने बीच में एक बात की कि कुछ लोग जो इस एजुकेशन सिस्टम में लगे हुए हैं, कुछ ड्यूटीज़ अपनी अलग तरीके की ड्यूटीज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा जो समाज है वो उसका क्या कर्तव्य बनता है, उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। तो ये गौतम जी, मैं कहने वाला कौन हूँ ये मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ, बाबा साहब का एक सच्चा सिपाही हूँ। तो मैं कोई संदेश दूँ इसके लिए मैं मानता हूँ कि मैं अधिकृत नहीं हूँ अपने आप में, लेकिन कोई जानकारियाँ जो बाबा साहब की है, इस समाज की है, जो इस पढ़े लिखे समाज के लिए है, बाबा साहब ने क्या लिखा, वो क्योंकि मैं बाबा साहब के
डायरेक्ट सानिध्य में कभी नहीं रहा, और उनके बाबा साहब का जो परिनिर्वाण के बाद, उनके लगभग 18 साल बाद, परिनिर्वाण के 18 साल बाद मेरा जन्म हुआ है 1974 में। तो मैं ये मानता हूँ कि हम उस तरीके से संदेश देने के लायक अपने आप को नहीं मानते, कम्पिटेंट नहीं मानते, जैसे कि यहाँ कुछ लोग जैसे LR बाली जैसे जो हमारे सामने महान विभूतियाँ हैं और जो इनका बाबा साहब से डायरेक्ट सानिध्य रहा है, सीधे संवाद बाबा साहब के साथ उनके रहे हैं, बाबा साहब के साथ कहीं ना कहीं वो मुलाकात रही हैं, वो लोग शायद संदेश देते तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन मैं तो अपनी रिसर्च के बेस पे, अपनी इस एजुकेशन के बेस पे, जो मेरी स्टडी है उसके बेस पे कुछ बातें आपके टीवी चैनल के माध्यम से दर्शकों के साथ ज़रूर बता सकता हूँ, दर्शकों को बता सकता हूँ और अपना जो समाज है पढ़ा लिखा उसको बता सकता हूँ। सबसे पहले जो पढ़ा लिखा जो समाज है उसके लिए बाबा साहब की एक कोट जो मुझे याद आती है, बाबा साहब कहते हैं कि विद्वान और बुद्धिजीवी इस समाज के दो हिस्से हैं, और जो विद्वान जो लोग हैं उन्हें सामाजिक चेतना दिन प्रतिदिन कचोटती रहती है, और जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं लेकिन वो सामाजिक चेतना उनका कुछ नहीं बिगाड़ती, उनको नहीं कचोटती, लेकिन जो विद्वान जो लोग हैं उन्हें कचोटती रहती है, तो उनका जो कर्तव्य है वो ज़्यादा बन जाता है। तो बाबा साहब इस माध्यम से हमें ये संदेश दे के गए हैं कि विद्वान बनो, बुद्धिजीवी नहीं, क्योंकि बुद्धिजीवी को वर्ग चेतना कचोटती नहीं है, वर्ग चेतना उसको झकझोर नहीं करती है, और विद्वान के लिए ये चीज़ आधारभूत है। विद्वान कहीं वर्ग से वाकिफ़ है, एक समाज से वाकिफ रखता है अपने आप को, और वो कहीं ना कहीं उसके लिए दिन रात चिंतन करता है। तो मैं अपने उन साथियों को सिर्फ इतना ही कहूँगा जो पढ़ा लिखा जो समाज है कि जो जैसा बाबा साहब कह गए खाली बुद्धिजीवी ही नहीं, हमें विद्वान की कसौटी में आकर के, उसकी कसौटी के हिसाब से, उस कैपेसिटी में आकर के हमें इस बात को दूसरों तक पहुंचाना है। जो पढ़ा लिखा जो समाज है उसका ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि दूसरे लोगों को हम बताएं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले से भी आपसे बात की थी कि पढ़े लिखे समाज की, पढ़े लिखे नागरिकों का ज़्यादा कर्तव्य है। तो बाबा साहब के इच्छाओं के अनुरूप मैं ये मानता हूँ और अपने पढ़े लिखे साथियों से ये बात करके इस आपसे की चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब की इच्छाओं के अनुरूप हम विद्वान बने, ना कि केवल बुद्धिजीवी। और जब बुद्धिजीवी जब हम बनते हैं तो हम समाज की तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाते जितना कि एक विद्वान व्यक्ति देता है। और उसके साथ अगर आप, आपके दर्शकों के लिए चाहते हैं कि मैं कुछ दो बातें कहूं आपके दर्शकों को, तो मैं आपके दर्शकों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमारे आज का जो चर्चा का जो विषय रहा, जो हमने सीधी और सटीक जानकारी जो आप लोगों तक आपके इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से जो पहुँचाई है, उसमें कहीं ना कहीं जैसा कि आपने कहा कि हम इस चर्चा के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं कुछ बातें अपने इस देश के नागरिकों के लिए कुछ कहना चाहता हूं कि जो हमारा जो भारत का जो संविधान है, हमें उस तरीके से उसको किस तरीके से समझना पड़ेगा, वो हम कुछ ना कुछ इस तरीके से बात कर सकते हैं कि भारतीय संविधान को समझने के लिए कुछ चीज़ों को बड़ी सीधी तरीके से हमें समझना होगा, और कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को इस माध्यम से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं कि जो भारत का जो संविधान है वो एक बड़ा कल्याणकारी संविधान है इस राष्ट्र के लिए, और कहीं ना कहीं हमें भारत के संविधान के लिए ये बात सोचनी होगी, पढ़ना होगा कि ये जो भारत का संविधान है एक कल्याणकारी संविधान है। ये मेरे भारत, मैं ये बात कहना चाहूँगा अपने दर्शकों, आपके दर्शकों को कि ये जो भारत है, ये इसको जो संविधान है उसके लिए जो मुझे कुछ अच्छा लग रहा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरे भारत का संविधान, इसमें छुपा है मानव कल्याण। ये भारत है हिंदुस्तान नहीं, इसका मतलब ज्ञान है अज्ञान नहीं। ये जो मानव कल्याण का जो संविधान है, जो मानव मात्र की भलाई के लिए, जो भारत राष्ट्र के लिए जो बनाया गया है, उसको हम कहीं ना कहीं पढ़ने की कोशिश करें, या जो हमारे विद्वान साथी हैं उनके माध्यम से हम इन बातों को पहचानने की कोशिश करें। और इसी के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आपके जो दर्शक हैं इंडिया टीवी चैनल के जो दर्शक हैं, वो इस तरीके से अब हम इस बात पर बिल्कुल सहमत हैं कि हमारे जो दर्शकों को कहीं ना कहीं इन चीज़ों की जानकारी लेनी पड़ेगी। इसी के साथ
मैं आपके चैनल की तरफ से, आपके दर्शकों को, अपनी तरफ से सभी को जय भीम, जय भारत और जय भारतीय संविधान, क्योंकि इसी संविधानिक चर्चा को करते हुए हम यहाँ इस बात पर आए हैं कि भारतीय संविधान एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसको पढ़े बगैर हमारा गुजारा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद चहल साहब। मेरे साथ हम और आप संवाद कार्यक्रम में आज उपस्थित थे आवाज़ इंडिया टीवी चैनल पे डॉक्टर अजीत सिंह चहल साहब, जो सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर विधि विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र हरियाणा से हैं, और जैसी जानकारी आज इनके माध्यम से आवाज़ इंडिया टीवी चैनल को मिली है, शायद ही हमारे दर्शकों को इससे पहले कोई ये जानकारी दे पाया हो। तो बड़े बड़े साधुवाद के पात्र हैं डॉक्टर अजीत सिंह चहल जी कि उन्होंने आवाज़ इंडिया टीवी चैनल के मंच के माध्यम से हम और आप संवाद कार्यक्रम के जरिए जो भारतीय संविधान के अंदर लिखी गई बातें हैं, भारत या हिंदुस्तान के ऊपर जो चर्चा आज हमारी रही, बहुत बहुत जानकारी के साथ में मैं एक बार फिर इनका धन्यवाद करूंगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद आवाज़ इंडिया टीवी चैनल पे ऐसी जानकारी देने के लिए, आज के इस कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए आवाज़ इंडिया टीवी चैनल की आपकी टीम और आपके जो कार्यकर्ता हैं और आपके जो दर्शक हैं इस आवाज़ इंडिया टीवी चैनल, उनको सबके लिए मेरी तरफ से साधुवाद, धन्यवाद। आप और सब